नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। अक्षय सोला आप देखा टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। दोस्तों विद्यमान चैनल को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन किसी भी गाड़ी का चालान कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे चेक कर सकते हैं, और चालान को आप कैसे पे यानी भर सकते हैं, और चालान को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। यह सभी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार लाइक कर दे। वीडियो लाइक करते थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मजा आता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पर तो ई चालान देखने, भरने या डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है ई चालान, ये सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ई चालान। उसके बाद में आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, ई चालान डॉट परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन। आपको इसी वेबसाइट पर सिंपली क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये ऑल स्टेट की वेबसाइट है, ये नहीं है कि किसी एक स्टेट की, आप किसी भी स्टेट का भरना चाहें तो इस पर जा सकते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ई चालान की वेबसाइट ये खुल के आ चुकी है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे आ रहा है, जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे हमने बता दिया ई चालान डॉट परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन है, लेकिन कुछ लोगों ने फेक वेबसाइट बना के रखा है। वो वेबसाइट का यूआरएल है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ई चालान परिवहन डॉट इन। तो ई चालान परिवहन डॉट इन इस वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना है, इस वेबसाइट पे आपको नहीं जानना है, इस पे कोई डिटेल नहीं देना है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखो चालान डिटेल आप कैसे देख सकते हैं, चालान नंबर से देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो व्हीकल नंबर यानी गाड़ी के नंबर से, और डीएल नंबर से यानी ड्राइविंग लाइसेंस से आप चालान की डिटेल अपनी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तीन अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने जो है चालान को ओपन कर सकते हैं, चालान देख सकते हैं, और यहाँ पे कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास जैसे चालान नंबर है तो चालान नंबर यहाँ पे डाल के चालान अपना ओपन कर सकते हैं, नहीं तो अपने जो गाड़ी का, जिस गाड़ी का चालान हुआ उस गाड़ी का आरसी नंबर, जो नंबर होता है व्हीकल नंबर, वो डाल के यहाँ पे चालान को देख सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे चालान होता है, जैसे हेलमेट वगैरह का चालान होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे कर देते हैं। मेरा भी एक बार हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस पे कर दिया, गाड़ी नंबर डालने से वो नहीं दिख रहा था, तो यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के भी चालान देख सकते हो। मेरे पास चालान नंबर है, मैं चालान नंबर डाल के यहाँ पे अपना चालान ओपन करता हूँ। यहाँ पे चालान नंबर ऊपर डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है सेम कैप्चा नीचे डाल देना, अगर समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, रिफ्रेश कर सकते हो आप। उसके बाद गेट डिटेल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी गेट डिटेल पे मैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए चालान टोटल चालान हमारा एक है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जिसके नाम पे चालान हुआ है उसका नाम यहाँ पे डीएल या आरसी नंबर जो यहाँ पे होगा, हमारा यहाँ आरसी नंबर दिखाई रहा है, चालान नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रांजेक्शन आई डी यहाँ पे है, और यहाँ पे किस स्टेट में चालान हुआ है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चालान किस डेट को कितने बज के कितने मिनट पे हुआ ये भी यहाँ पे लिखा है, चालान कितने अमाउंट का हुआ वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चालान का स्टेटस क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पेंडिंग है, पेमेंट सोर्स आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं ये भी यहाँ पे है, एनए लिखा है, मतलब आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी से भी कर सकते हैं। आप अपने चालान को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चालान प्रिंट पर क्लिक करके उसे प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। चालान प्रिंट या डाउनलोड करके आप यहाँ पे ऑफलाइन, अगर आप ऑनलाइन नहीं पे करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं चालान को डाउनलोड करके लेकर जाके। ठीक है, आपको लेकर जाना पड़ेगा आपके सर्कल ऑफिसर के पास जो भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम डाउनलोड प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे गाड़ी का नंबर भी, गाड़ी का फ़ोटो भी आ जाता है, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जहाँ पे चालान हुआ था, और चालान की यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है कि किस कारण से चालान हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, कितने बजे हुआ, कितने जो है तारीख को हुआ, तो यहाँ पे किस कारण से चालान हुआ पूरा डिटेल यहाँ पे जो है आ जाता है। इसको हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे हम यहाँ पे पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। ये हमारे तीन पेज में है, यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल नहीं दिखाती लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। इसे पीडीएफ में हमारे ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रिएट फोल्डर कर लेंगे, नया फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट फोल्डर पर यहाँ पर हम डाल देते हैं चालान।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा चालान जो है फोल्डर में नया क्रिएट कर लिया। यहाँ से हम डाउनलोड होने के बाद में इसे जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जूम करके ये देख सकते हो हमारी बाइक जो है रोड पे खड़ी थी, तो रॉन्ग पार्किंग की चालान हुआ था यहाँ पे। ये चालान कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था और किस एक्ट के तहत हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ बैक, सिंपली दोबारा से वहीं पे जाता हूँ और अब यहाँ से हम इसे पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट का देखिए पे का ऑप्शन दिया, पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम पे नाउ पर क्लिक करके ऑनलाइन इसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो वीडियो हमारा लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दूसरा वीडियो आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरीफिकेशन करा, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है कोई भी अपना, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल देना है। सिंपली मेरा OTP जो है आ चुका है, यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डाल के सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है, सबमिट कर देता हूँ, ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में ये रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, यहाँ पे हमारे राजकोष.up.nic.in इस वेबसाइट पे ये हमको जो है रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक दूसरा चालान नंबर हमको मिल गया है, तो इस चालान नंबर को मैं नोट कर लेना है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करते ही यहाँ पे एक दूसरा नोट खुल के आता है, इसे पढ़ लेना है आपको ध्यान से, उसके बाद इसे क्लोज कर देता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज खुल के आता है, यहाँ पे कन्फर्मेशन ऑफ ई पेमेंट जो है, तो यहाँ पे हम ई पेमेंट अपना जो है कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह डाल के पेमेंट कर देता हूँ। वीडियो को थोड़ा यहाँ पे होल्ड रखूँगा, सारी डिटेल डाल के मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। प्रोसीड विथ नेक्स्ट पेमेंट क्लिक करता हूँ, उसके बाद में हमारा ये पेमेंट हो चुका है और अब हम आ जाते हैं बैक यहाँ पे। तो यहाँ पर बैक आने के बाद में दोबारा से हम चालान नंबर डाल के यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले पे नाउ का ऑप्शन था, लेकिन अभी यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद में क्या करना है, दोबारा आपको जानना है उस वेबसाइट पे जहाँ से हमने पेमेंट किया था यूपी राजकोष की, इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ गए हैं। गूगल पे सर्च करके यहाँ पे देख सकते हो आ सकते हैं या डायरेक्ट उस पे आ सकते हैं, लिंक पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आना है तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हैं, सर्च एंड प्रिंट चालान पर यहाँ पे क्लिक करना है। सर्च एंड प्रिंट चालान पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चालान नंबर डालना है यहाँ पे। तो चालान नंबर जैसे हमने पहले बताया था कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, चालान नंबर बदल जाता है तो ये काम आता है, ठीक है। चालान नंबर वो वाला यहाँ पे डाल देंगे जिस हम जो हमारा पेमेंट करते समय चालान नंबर था। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे इसको, सर्च करने के बाद में हमारा जो है चालान यहाँ पे ओपन होके आ जाता है जो हमने पेमेंट किया था अभी। तो यहाँ पे व्यू डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पे हम इसकी डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। थोड़ा लोड होने में समय ले रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा डिटेल हमारा आ चुका है ये चालान का। ये चालान की जो है स्लिप हो, हमारी जो पेमेंट किया वो स्लिप हमें मिल जाएगी यहाँ पे। इसी स्लिप को हम रख सकते हैं अपने पास, इसे डाउनलोड करके या प्रिंट करके। तो इस तरह से आप अपना चालान पे कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।